स्वास्थ्य परेशानी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। इस राहत पैकेज की घोषणा के बाद जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने में जुटा है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर तीखे शब्द बाण चला रहा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आज केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जारी किए राहत पैकेज को लेकर चाहे जितनी भी वाहवाही बटोर ले, लेकिन विपक्ष इस पैकेज की खामियों को लगातार जनता के सामने ला रहा है और सरकार को घेर रहा है। जी हां, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी राहत पैकेज को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया है। पी चिदम्बरम ने सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज में गरीबों, अन्नदाताओं और श्रमिकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और 10 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने यह दावा भी किया कि सरकार की ओर से घोषित पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि है, जो भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.91% है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, हमने वित्त मंत्री की ओर से घोषित पैकेज का पूरे ध्यान से विश्लेषण किया, हमने अर्थशास्त्रियों से बात की, हमारा ये मानना है इसमें सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज है। चिदम्बरम के मुताबिक आर्थिक बजट की शेष राशि कई बजट का हिस्सा है और कई घोषणाएं कर्ज देने की व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के आर्थिक पैकेज से 13 करोड़ कमजोर परिवार, अन्नदाता, कामगार और बेरोजगार हो चुके लोग असहाय छूट गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करे, समग्र वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे जो जीडीपी का 10% हो। ये 10 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज होना चाहिए। वहीं चिदम्बरम से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केंद्र सरकार को आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने की सलाह दे चुके हैं, मगर शायद सरकार अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज का गुणगान करने में इतनी व्यस्त है कि ना तो उसे जरूरतमंदों की गुहार सुनाई दे रही है और ना ही विपक्ष के सवाल। ऐसे में देखना है सरकार अब भी सवालों पर चुप्पी साधती है या कांग्रेस की सलाह पर गौर करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।